हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन जी एस गैलेक्सी। दिस इज अनिल सर। चलिए, ऑप्शनल का हम लोग आज से मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज शुरू कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के वन बाय वन यूनिट से हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत। और जो पहला यूनिट होगा, यूजुअली यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट यूनिट है, पार्ट ऑफ सिलेबस है, हम लोग इसको देखा जाएगा। पहला यूनिट है अराइवल ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों का भारत में आगमन, यूरोपियों का भारत में आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। कितने यूरोपीय आए थे भारत में, सबसे पहले तो हम लोग ये देखा जाए। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद डच आए थे। देन आफ्टर अंग्रेज आए थे। और फाइनली कौन आया था? फ्रेंच आए थे, फ्रांसीसी आए थे। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या भारत के साथ पहली बार हम लोगों का यूरोपियों के साथ जो है रिलेशन, कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन या इकोनॉमिक रिलेशन बन रहा है, या इससे पहले भी हमारा भारत देश का यूरोपियों के साथ कोई संबंध था? बिल्कुल था। आधुनिक काल में नहीं, मध्यकाल में नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही हमारा संबंध यूरोपियों के साथ था। तो अब हम लोग यहाँ पे मुद्दे की बात ये देखेंगे कि सबसे पहला जो देश आया था पुर्तगाली, इसके जो यात्री थे वो कौन थे? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा भारत आए थे। ये किस रास्ते से आए थे? समुद्र के रास्ते से आए थे, बाई सी रूट्स आए थे। तो आइए एक मैप ड्रॉ करूंगा। ये हमारा भारत है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, और ये यूरोप है, यूरोप है। तो जो अच्छा यहाँ पे आएंगे आप, तो ये वाला जो रीजन मिलेगा इसको आइबेरियन प्लेटू कहते हैं। ऊपर स्पेन है, नीचे पुर्तगाल है, और यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे यूके होगा। तो ये पुर्तगाल के जो नाविक हैं वास्को डिगामा, वो कैसे आए थे? वो इस समुद्र के रास्ते से केप ऑफ गुड होप होते हुए अरेबियन सी, और ये आपका कौन सा पड़ेगा? रेड सी है, लाल सागर है, लाल सागर है। ये आपका पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया है, ये आपका पाकिस्तान का लोकेशन है, ये गल्फ ऑफ पर्सिया होगा, ये फारस की खाड़ी है। तो यहाँ से वास्को डिगामा होते हुए कहाँ आए थे? ये मालाबार तट पे आए हुए थे, और जमोरिन से के मदद से, जमोरिन के दरबार में अब्दुल मानिक की मदद से आए थे। तो यहाँ पे बच्चों मूल मुद्दा ये है, मूल प्रश्न ये है कि पहली बार इस रूट को खोजा गया था, और एक कह सकते हैं कि ये एक डेयर डेविल्स था, एक मतलब दुस्साहसिक यात्रा था, कि जब कुछ भी नहीं पता था तो इतना ज़्यादा रिस्क लेकर के इधर से क्यों आए। और जो प्राचीन काल में भारत का यूनान के साथ संबंध था, तो उस समय में कोई तो एक रास्ता रहा होगा जिससे ये लोग सदियों से, सैकड़ों सालों से एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं। तो वो सिकंदर महान के बारे में आप लोग सुने हुए हैं। सिकंदर महान यहाँ पे मैसिडोनिया से वो कई सारे देशों को जीतता हुआ, मैसिडोनिया से टर्की को, टर्की से फिर वो
सीरिया को, सीरिया के बाद इराक को, इराक के बाद ईरान को, देन आफ्टर अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतमाला से आता है। तो ये रूट तो सिकंदर महान के समय से ही लोगों को पता था, तो क्या ऐसा कारण था कि वास्को डिगामा इस रास्ते से आया जबकि हजारों सालों से जो प्रचलित रास्ता था उससे नहीं आया? एक कॉमन फेनोमेना, एक कॉमन क्यूरियोसिटी ये भी बनता है। तो अब इसके लिए मुझे आपको अतीत के झरोखे में लाना होगा, उस अतीत के झरोखे में कुछ जो गड़े हुए कह सकते हैं कि इसके रहस्य हैं, या कुछ जो गड़े हुए भूली बिसरी कहानियां हैं उसको आपको थोड़ा सा अवेयर करना होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल का सब्जेक्ट है और ऑप्शनल जो है वो आपके जीएस से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो जब तक आपका एनालिटिकल स्किल नहीं बनेगा, जब तक आपका इंटरलिंकिंग अप्रोच नहीं बनेगा, तब तक आपके आंसर में वो जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो आइए अब हम लोग अतीत के झरोखे में चलते हैं। सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था, सिकंदर महान के समय के बाद एक यहाँ पे यूरोप में रोमन साम्राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य हुआ करता था, रोमन एम्पायर हुआ करता था। और इस रोम के लोगों की भारत के साथ जब व्यापारिक संबंध होता है तो इन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया रहता है, किसी चीज़ की लत लगी रहती है, और वो क्या चीज़ रहता है? वो दक्षिण भारत के मसालों की लत लगी रहती है। तो मैटर अब ये है कि इस मसालों की लत इतनी ज़्यादा थी कि इसके एवज में, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ एडिक्शन, लत वर्ड यूज कर रहा हूँ, कि इस मसाले के बदले में वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार थे। तो इतना मसालों को इतना इनको प्रिय लगता था कि इन्होंने भारतीय मसालों का नाम ही क्या रख दिया था? यवन प्रिय, यवन प्रिय। और भारती भी, भारत को गोल्डन बर्ड कहा जाता था ना, सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारती भी इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से कैच करते हैं। इन मसालों के बदले में वो गोल्ड क्वाइंस ले रहे हैं, सोने के बदले में मसाले दे रहे हैं। एंड व्हाट वाज द सिनेरियो एट दैट पर्टिकुलर टाइम? ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक दादा भाई नरौजी ने बताया था कि वो धन का निर्गमन भारत से यूरोप की ओर जा रहा था, परंतु प्राचीन काल में ये ड्रेन ऑफ वेल्थ एक हैवी अमाउंट में, एक बहुत बड़ी धनराशि के रूप में यूरोप से भारत की ओर आ रहा था। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भारत में भी बहुत अच्छे दिन हैं, रोम में भी बहुत अच्छे दिन हैं, और पूरे यूरोप में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक छोटा सा मुद्दा ये बनता है कि इन मसालों की इतनी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे रोमन एम्पायर में, यूरोप में क्यों थी? तो थोड़ा सा जियोग्राफी पे आपको खींचना चाहूँगा, आप मैप खोल करके देखिएगा। मैप में इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जबकि यूरोप एक टेम्परेट जोन में आता है, समशीतोष्ण या शीतोष्ण जो कहा जाता है उस क्षेत्र में आता है जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस टेम्परेट जोन में वो जो भी मीट होते थे, जो भी मांस होते थे, उनको भारतीय मसाले जो है इनका लेप करके उसको जो है वो कई दिनों तक उसको प्रिजर्व करते थे। तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, रोमन साम्राज्य के ऊपर किसका आक्रमण होगा? इस रोमन साम्राज्य के ऊपर बैजेंटाइन जो जनजाति लोग हैं, जैसे भारत पे आप कह सकते हैं कि आर्यों का अटैक हुआ था, ये भी एक ट्राइबल ग्रुप थे, तो उत्तरी ध्रुव की तरफ से बैजेंटाइन साम्राज्य आएगा और रोमन साम्राज्य को ये तहस नहस कर देंगे। ये बैजेंटाइन साम्राज्य रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे। ये वाकया कब का है? ये वाकया 473 AD का है, 473 ईस्वी का है। ठीक है, तो चलिए, अब रोमन साम्राज्य का विध्वंस हो गया है, बैजेंटाइन लोग आ गए हैं। अब बैजेंटाइन पे हम लोग थोड़ा सा इनकी क्वालिटी पे बात किया जाए, इनके अंदर वो हुनर नहीं था,
जो बिजनेस का या इकोनॉमिक एक जो कह सकते हैं स्टैंडर्ड नहीं था, ये लोग पॉलिटिकली एक बारबेरियन थे और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को जी रहे थे। तो जब इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से ये कमज़ोर होंगे, तो अब डिमांड एंड सप्लाई का रूल समझते हैं ना, डिमांड जो भारतीय मसालों की डिमांड यूरोप में थी, बाइजेंटाइन लोगों के पास पैसा नहीं है, अब ये डिमांड ख़त्म होता है और भारत से सोने की आवक जो है वो बंद हो जाती है। समय का चक्र आगे बढ़ रहा है, समय की धारा ऐसे ही अविरल बढ़ते जा रही है, और सुने हैं ना, हर उगते सूरज का अपना ढलान होता है, बैजेंटाइनों का भी अपना एक दौर रहता है, 1,000 साल का काल चक्र घूमता है, और फाइनली 1453 ईस्वी, 1453 ईस्वी में आकर ये बैजेंटाइन साम्राज्य को ध्वंस कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? ऑटोमन एम्पायर के द्वारा, ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा। अब ये ऑटोमन साम्राज्य ने बैजेंटाइन साम्राज्य को ध्वंस कर दिया। अब इनका आप आएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आप आएंगे जब प्रथम विश्व युद्ध देखा जाएगा, वहां पे आप देखेंगे कि एक भारत में असहयोग खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो ये असहयोग खिलाफत जो आंदोलन था, उसमें खिलाफत का मुद्दा क्या था? भारतीय मुस्लिम चाहते थे कि तुर्की के खलीफा के साथ एक हम्बल बिहेवियर किया जाए, और इस तुर्की पे 1919 में किसका राज था? इसी ऑटोमन साम्राज्य का, जिसकी स्थापना 1453 ईस्वी में हुआ था। तो ऑटोमन साम्राज्य आ जाता है, एक बड़ा साम्राज्य रहता है, और इन्होंने मध्य एशिया और वेस्टर्न एशिया के इस रूट पे, जिससे सदियों से व्यापार होता था, इस रूट को ब्लॉक कर दिया, इस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। तो अब मैटर ये है कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि मैं वर्ड लत यूज कर रहा हूँ, एडिक्शन का वर्ड यूज कर रहा हूँ। बैजेंटाइन में डिमांड कम हो गया था, लेकिन मसाला इसी रूट से जाता था, ठीक है। अब उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, और मसालों की लत तो इनको हजारों साल से लगी है, मसाले चाहिए, 50 साल भी नहीं बीतता है। ये होता है कि अगर स्थल मार्ग से हम नहीं मसाले पा सकते हैं, तो ओशियानिक रूट को सर्च कीजिए, जल मार्ग को खोजिए, लेकिन भारत की खोज कीजिए, मसाले एनी हाउ हमको चाहिए ही चाहिए। और वर्ष रहेगा 1492 ईस्वी, 1492 AD। कौन निकलेगा भारत को खोजने के लिए? क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को खोजने निकलेंगे, और कहाँ पहुँच जाएंगे? भारत की खोज करते करते ये यूएसए को सर्च कर डालेंगे, अमेरिका की खोज कर डालेंगे। अब होता क्या है, वो असफलता, आप समझते हैं ना, सफलता भी अस्थाई नहीं होता है और असफलता भी अस्थाई नहीं होता है। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को खोजते हुए यूएसए निकल गए, अब बीड़ा कौन उठाता है? 6 सालों के बाद 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ये पुर्तगाल के यात्री थे। अब मैं कहानी पे आपको कोरिलेट कर दूंगा। ये निकलते हैं, ये कोस्टल रूट को फॉलो करते हैं, मेडिटेरियन में आएंगे, मेडिटेरियन के बाद अफ्रीका के इस कोस्टल रूट को फॉलो करते हुए आएंगे, कहाँ पहुँचेंगे? केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप के बाद यहाँ से इंडिया का रूट बिल्कुल डिफाइन था। अब ये अब्दुल मानिक नाम का जो इनका गाइड रहेगा, इसके साथ ये फाइनली कहाँ पे आएंगे? मालाबार तट पे आएंगे, कालीकट बंदरगाह पे आएंगे, और यहाँ से किसके दरबार में जाएंगे? यहाँ के लोकल रूलर रहेंगे जमोरिन, जमोरिन।
तो चलिए, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पुर्तगाली जो हैं वो सबसे पहले थे और इन्होंने भारत के सी रूट से भारत की खोज किया। कैसे किया या क्यों किया, ये सारी कहानी मैंने रोमन साम्राज्य, बाइजेंटाइन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य में आपका क्लियर कर दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्यों आखिर ये क्यों भारत में आते हैं, कुछ तो इनका रीजन रहा होगा। तो यहाँ पे वाई हम लोग देखेंगे क्यों, और क्यों अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा इसके पीछे जो खेल है वो भारतीय मसाले का है, वो भारतीय मसाले का है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पुर्तगालियों से अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको फ्रेम कर लेते हैं ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पुर्तगालियों का विस्तार। पुर्तगालियों का विस्तार प्रभाव और पतन, और पतन। तो विस्तार ये आपका कह सकते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ से शायद ही हमको लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन पूछा गया, नहीं तो यूजुअली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। विस्तार ये पीटी का आपका मुद्दा हो जाएगा, फिर भी एक ब्रीफ हम लोग इसको इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले कौन रहेगा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क रहेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे आए थे अल्बुकर्क नहीं, आल्मीडा, फ्रांसिस्को डी आल्मीडा रहेंगे, फ्रांसिस्को डी आल्मीडा ये आएंगे। कब से कब तक इनका टाइम पीरियड रहेगा, 1505 टू 1509, 1505 से 1509। और इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया, प्रथम फैक्ट्री कोचीन में इस्टेब्लिश किया, कोचीन में स्थापित किया। अब इसके बाद इनका भारत में एक वास्को डी गामा जब लौट करके यहाँ से इंडिया से जाते हैं, एनसीईआरटी बुक भी आप लोगों को अपना एक इनडेप्थ रखना चाहिए। हम लोग एनसीईआरटी की भी कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, उसका रीजन भी यही है कि एनसीईआरटी से आपके इनसाइट भी क्लियर होते हैं और हर लेवल पे आप क्वेश्चंस के आंसर देने में भी बहुत ज़्यादा सक्षम अपने को इनेबल करते हैं। तो वास्को डी गामा जब लौट करके जाते हैं तो वो उनको अपना जो टोटल इस यात्रा में खर्च हुआ था उससे 60 गुना ज़्यादा, 60 times लार्जर जो है वो इनकम गेन करते हैं। तो अब ये आ चुके हैं, अपनी फैक्ट्री मतलब अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिए हैं। और इन्होंने क्या किया, भारत में नीले जल की नीति का, नीले जल की नीति का सूत्रपात किया। ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया। अब ये नीले जल की नीति क्या है, इसीलिए मैंने पूरा मैप नहीं मिटाया है, आगे एक और बता देता हूँ फिर समझा रहा हूँ। नीले जल की नीति का सूत्रपात किया, प्लस कार्ज सिस्टम की, कार्ज व्यवस्था की शुरुआत किया। तो अब पहले मैटर होता है कि ये कार्ज क्या है, तो कार्ज ये इनका एक पास होता था, एक ट्रेड पास होता था। अभी मैंने मैप में आपको आइबेरियन प्लेटू दिखाया था, आइबेरियन प्लेटू बिल्कुल नीचे है, भूमध्य सागर के पास, अटलांटिक और भूमध्य के पास में है। तो ये लोग एक नेवल पावर थे, एक समुद्री नौसैनिक शक्ति रहते हैं, और इस समुद्री नौसैनिक शक्ति रहने का इनको फ़ायदा क्या मिलता है, अनबीटेबल रहते हैं। जो भी जहाज़ इस अरब सागर में जा रहे हैं इंडियन के कोस्टल एरिया से,
उनको ये मैंडेटरी था कि आपको ये ट्रेडिंग पास अपने पास रखना है, मींस कि एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पे आप भारतीय बंदरगाह पे पुर्तगालियों को पे कीजिए, वो पास लीजिए, तभी आप जाइए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, समुद्र में पुर्तगाली अगर आपको वो करते हैं, कैच करते हैं, तो वहाँ पे आपको हैवी पेनल्टी या वो आपके साथ कोई भी मिसबिहेवियर कर सकते थे। तो ये कार्ड व्यवस्था जो थी, इसी को नीले जल की नीति भी कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। तो चलिए, ये फ्रांसिस्को डी आल्मीडा है, इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आते हैं। इसके बाद कौन आएगा? अल्बुकर्क। इस विस्तार में अगले जो हैं वो अल्बुकर्क आएंगे। द टाइम पीरियड ऑफ अल्बुकर्क इज 1509 to 1515, 1509 से 1515 ईस्वी इनका समय काल है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुजरात में, गुजरात के शासक को इन्होंने पराजित किया, गुजरात के शासक को पराजित किया, और इसके साथ ही इन्होंने गोवा को जीत लिया। गोवा ये मुंबई के नीचे आपको पड़ेगा, गोवा को जीत लिया। ये फैक्चुअल चीजें, इसका बहुत यहाँ पे यूज नहीं है। इसके बाद कौन आता है? जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल आएंगे, पहले जो हैं वो आल्मीडा हैं, दूसरे अल्बुकर्क हैं, अगले जो इम्पोर्टेंट है वो नीनो डी कुन्हा हैं। नीनो डी कुन्हा हैं। नीनो डी कुन्हा के समय में अगला डेवलपमेंट क्या होगा? कोचीन जो इनका एक हेडक्वार्टर था, अब कोचीन की जगह ये हेडक्वार्टर किसको बना देंगे? गोवा को अपनी यहाँ पे राजधानी, व्यापारिक राजधानी बना दिया जाएगा, ठीक है। और इनके समय में जो गुजरात के शासक रहेंगे, बहादुर शाह को समुद्र में गिरा दिया जाएगा, और गिरा करके, वही मैंने कहा ना कि एक ये नेवल पावर है, समुद्र की ये एक शक्ति है। फिर सबसे लास्ट में जो इनके गवर्नर जनरल आते हैं, एक और रहते हैं, उन्हीं के समय में सेंट जेवियर जो हैं वो भारत में आए हुए थे। तो ये इनका विस्तार है, कैसे ये धीरे धीरे ये अपना विस्तार करते हैं। अब जो हम लोग के ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुद्दे की बात है कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक मल्टी डायमेंशनल प्रभाव हम लोग देखा जाएगा, एक बहुआयामी रूप से इनके प्रभाव को देखा जाएगा। सबसे पहले तो राजनीतिक प्रभाव क्या था, राजनीतिक प्रभाव क्या था। तो राजनीतिक में कह सकते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी जो है व्यापारिक कोठियां के जो बहाने जो है वो यहाँ पे अपने उपनिवेश स्थापित करते हैं, अपनी कॉलोनी स्थापित करते हैं। दूसरा, औद्योगिक क्रांति का दौर था, यूरोपियों के मध्य में जो है प्रतिस्पर्धा थी, और ये प्रथम शक्ति रहते हैं जो यहाँ पे अपने राजनीतिक प्रयास को स्थापित करते हैं। इसके अलावा इन्होंने वही जो है कुछ युद्ध भी किए, युद्ध में इन्होंने देख रहे हैं आपने गोवा के शासक को, बहादुर शाह को पराजित करते हैं। तो ये इनका पॉलिटिकल एक कह सकते हैं कि सीनेरियो रहता है, पॉलिटिकल डोमिनेशन रहता है। आर्थिक रूप से इनका अगर प्रभाव देखा जाए, राजनीतिक के साथ अगर आर्थिक रूप से प्रभाव देखा जाए, तो इन्होंने अपने व्यापार को समृद्ध किया, अपने व्यापार को समृद्ध किया। कैसे किया? क्योंकि ये पहले ऐसे शक्ति रहते हैं जो भारत में आए हुए रहते हैं, और पहली शक्ति रहने के नाते पूरे यूरोप को इंडियन स्पाइसेस की डिमांड थी, मसालों की जो है वो मांग थी, और इन्होंने उसको इंश्योर किया, उसके प्रोडक्शन को जो है या उसकी अवेलेबिलिटी को इन्होंने इंश्योर किया। आपको पता है डच या अंग्रेज जो आते हैं वो लगभग 1600 ईस्वी में आते हैं, पुर्तगाली कब आ गए हैं? 1498 में ही आ गए हैं। तो 100 सालों तक इन्होंने अपने व्यापारिक साम्राज्य भारत में बनाए रखा, और इसके साथ ही इन्होंने अपने व्यापार को समृद्ध किया। साथ में क्या है, इनको भारतीय कच्चे माल की, भारतीय अन्य जो कच्चे नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं, अन्य कच्चे माल की उपलब्धता
सुनिश्चित होता है। साथ ही अगर आर्थिक रूप से देखेंगे तो भारत भारत के रूप में एक बड़ा बाजार इनको मिलता है, एक बड़ा बाजार इनको मिलता है, और अपने औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों को भी इन्होंने आगे बढ़ाया था। औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियाँ क्या थीं? एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में जब विलियम हॉकिंस आते हैं, तो विलियम हॉकिंस एक परमिशन लेने आए हुए रहते हैं कि हमको भी व्यापार का 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे, लेकिन पुर्तगालियों ने जो है उन पे प्रेशर बना करके उनको कहते हैं कि नहीं, अंग्रेज़ों को यहाँ पे अलाउ नहीं करना है, तो वो डिनाई कर दिया गया था, इनको यहाँ पे परमिशन नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से ये अपना एक मोनोपोली, ट्रेडिंग मोनोपोली बनाए रखना चाहते थे और इस तरीके से शोषण भी करते थे। कार्ड व्यवस्था में मैंने बताया कि इकोनॉमिकली जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। सामाजिक प्रभाव को अगर देखा जाए, व्हाट वाज द सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव क्या था, तो सामाजिक प्रभाव में इन्होंने भारतीय स्त्रियों के साथ, भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों के वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा दिया। पुर्तगालियों को ये प्रोसीड करते हैं कि आप इनसे जो है विवाह कीजिए। इसके भी कुछ अपने रीजंस होते हैं। ये जो एक रूट था यहाँ से, इंडिया से और यहाँ आने का, वो 6 मंथ से ज़्यादा का रूट था। उस समय कोई भी वो जो आप कह सकते हैं भाप का इंजन या ये सब आविष्कार नहीं हुआ था, और काफ़ी ये एक दुष्कर कार्य होता था, एक जगह से यूरोप से भारत आना या भारत से वहाँ जाना। अगला क्या होता है सोशल इम्पैक्ट में, ये यूरोप एक दूसरे के कह सकते हैं कि उससे जो है ये लोग परिचित होते हैं, खान पान और जो पश्चिमी संस्कृति है उससे जो है ये लोग अवेयर होते हैं। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि इनके सांस्कृतिक प्रभाव क्या थे, व्हाट वाज द कल्चरल इम्पैक्ट। धार्मिक और सांस्कृतिक को हम लोग एक ही में कर लेते हैं। तो ईसाई मिशनरियाँ पुर्तगालियों के समय में ही भारत आ गई थी, और वो जो हैं फोर्सफुली जो हैं वो उसको कह सकते हैं कि दबाव पूर्वक, बल पूर्वक जो हैं वो भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं, भारतीयों को ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए वो प्रतिबद्ध कर रहे हैं। तो ये तो एक निगेटिव सांस्कृतिक प्रभाव हो गया। अगर कुछ पॉजिटिव आप कहेंगे तो पुर्तगाली केवल भारत में ही नहीं थे, पुर्तगालियों का उधर भी लैटिन अमेरिका में भी, जैसे ब्राज़ील पे भी इन्हीं का कब्जा था। ब्राज़ील इंडिया से लगभग लगभग 2 गुना से ज़्यादा बड़ा देश है। तो इस तरीके से ये इस एरिया के जो लैटिन अमेरिका के कुछ क्रॉप्स रहते हैं उसको ला करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, इंडिया में ला करके इन भारतीयों को उससे परिचित कराते हैं। जैसे आलू रहता है, मक्का रहता है, ये सारे फसल जो रहते हैं, तंबाकू रहता है, पपीता रहता है, ये भारत में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और सांस्कृतिक रूप से और आप कह सकते हैं कि ये पुर्तगाली ऐसे पहले विदेशी थे जिन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। कब कर दिया था? 1557 ईस्वी में ही इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ला दिया था। तो ये रेनेसा का एक यूरोप में वो रहता है, कह सकते हैं आउटपुट रहता है, जिसको इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। और साथ ही ये गोथिक शैली को, कला की जो आर्किटेक्चर की गोथिक शैली, गोथिक स्टाइल रहता है, उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। जीएस में आप लोग एक इंडो गोथिक और नियो रोमन पढ़ते हैं, तो गोथिक शैली को भी ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग अंतिम पायदान की तरफ बढ़ते हैं कि पुर्तगालियों के भारत में पतन का कारण क्या था, व्हाट वेयर दोज रीजन्स विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया। बहुत सारे कारण रहते हैं, जो सबसे क्रूशियल रीजन आप बताएंगे उसमें एक जो है सबसे निर्णायक कारण कारण में से आएगा। ये जो पुर्तगाली रहते हैं, इन्होंने अपना विवाह संबंध किससे बनाया? इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध अंग्रेजों के साथ स्थापित किया। अंग्रेज जो युवराज रहते हैं उनका नाम रहता है चार्ल्स, और पुर्तगाल की जो राजकुमारी रहती हैं उनका नाम रहता है कैथरीन ब्रेगांजा। तो कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह किसके साथ होगा? चार्ल्स के साथ होगा। और बदले में क्या होगा सुन करके आपको भी बड़ा एक ऑड सा लगेगा, लेकिन सच्चाई है, बदले में पूरा मुंबई जो है
पूरा मुंबई दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। तो जैसे ही, और ये समय लगभग 1665 के आसपास का ये समय रहता है, तो इस तरीके से अरे एक मुंबई में फ्लैट मिलना या एक मुंबई में कोई छोटा सा प्रॉपर्टी होना, ये एक अपना वो होता है, इशू होता है। और दूसरा है पूरा मुंबई दहेज में मिल जाना, पूरा बंबई दहेज में मिल जाना। तो ये इकोनॉमिकली इनको जो है यहाँ पे वीक करेगा, अंग्रेजों को इकोनॉमिकली ये फैक्टर जो है स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए इनका यहाँ पे पतन हो जाता है। दूसरा पतन रहता है आंतरिक और बाह्य में भी आप कर सकते हैं, ऑप्शनल के आंसर को हमेशा थोड़ा क्रिएटिव वे टच देना चाहिए। दूसरा, पुर्तगालियों की भारत से ज़्यादा जो इंटरेस्ट था, भारत से ज़्यादा जो इनकी रुचि थी, वो कहाँ पे था? वो ब्राज़ील में था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ब्राज़ील इंडिया से लगभग 2.5 गुना बड़ा देश है और भारत से भी ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र है। अमेज़न के जो वहाँ पे जंगल हैं, वो जैव विविधता का या नेचुरल रिसोर्सेज का एक प्रचुर भंडार प्रदान करते हैं, और इसके लिए उनको, पुर्तगालियों को ब्राज़ील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये औद्योगिक क्रांति का दौर रहता है, ये जो है रेनेसा के बाद जो एक डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, हर फील्ड में जो एक विकास हो रहा है, तो इनको भी उसकी नीड्स रहती है। तो भारत से ज़्यादा प्राथमिकता इन्होंने किसको दिया? पुर्तगालियों ने भारत से ज़्यादा प्राथमिकता ब्राज़ील को और लैटिन अमेरिका को दिया। अगला क्या रहता है? व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा रहती है, वहाँ पे पहले वन मैन शो रहते हैं, लगभग 100 सालों तक अकेले रहते हैं। अब अदर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स इनके आ चुके हैं, अन्य यूरोपीय आ चुके हैं, एक हैवी जो है वहाँ से कॉम्पिटिशन मिलता है। ब्रिटिश भी जो थे वो अनबीटेबल आप कह सकते हैं नेवल पावर है, पुर्तगालियों से स्ट्रांग उनकी नौसैनिक शक्ति रहती है, और यहाँ पे वो इनके सामने टिक नहीं पाते हैं। तो चलिए, पुर्तगालियों का यहाँ पे पतन हो गया। अब हम लोग अगले उनके तरफ आएंगे। डच एक छोटे से पावर हैं, डच कोई बहुत इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते हैं। तो डच को देखा जाए, डच भारत में क्यों आते हैं, पहले उसी को देखा जाएगा। अब हम लोग डचों पे आते हैं, डचों का भी हम लोग उसी तरीके से बनाया जाएगा जो फ्रेमिंग करना है। आगमन इनका कब हुआ था? आगमन जो है 1600 ईस्वी में के आसपास में होता है। फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डचों का आगमन लगभग 1600 ईस्वी के आसपास में होता है। क्यों आए थे? वाई दे केम इन इंडिया? आने का इनका कारण होता है, पुर्तगाली मसालों के लिए आए थे, ये इंडियन सूती वस्त्रों के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए आए हुए थे, भारतीय सूती वस्त्रों के लिए आए हुए थे। और रीजन भी ये रहता है, कॉमन फेनोमेना रहता है, हर यूरोपीय शक्ति अपना कहीं ना कहीं पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इन्होंने आसियान कंट्री में और विशेष करके जो है इंडोनेशिया के पास में अपने को स्थापित किया हुआ था, इसलिए भारत इनके लिए एक हाल्टिंग स्टेशन का भी काम करता था। आगे आते हैं, आप देखते हैं कि इनका जो है विस्तार कैसे होता है। विस्तार एक बहुत ही फैक्चुअल वो है। 1605 ईस्वी में इन्होंने सबसे अपना जो पहला कारखाना स्थापित किया था वो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम इनके ईस्टर्न साइड में आएगा, वो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, अपर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। बाद में इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया था वो पुलिकट में बनाया हुआ था, और आगे चल करके नागापट्टनम भी इनका जो हेडक्वार्टर बनता है। कलकत्ता में आते हैं, कलकत्ता में आकर के सेरामपुर रहता है, कासिम बाजार के पास का जो एरिया रहता है, वहाँ पे भी अपनी व्यापारिक बस्ती स्थापित करते हैं। अब प्रभाव देखा जाए, मैं कहा कि एक छोटे से पावर है इसलिए बड़ा वो मैटर नहीं रखते हैं। पुर्तगालियों का भारत पे प्रभाव क्या पड़ता है? तो वो मल्टी डायमेंशनल नहीं रहता है, ज़्यादा समय तक रुक भी नहीं पाते हैं। प्रभाव में इन्होंने जो भारतीय सूती वस्त्र हैं, उस सूती वस्त्र को एक ग्लोबल एक्सपोजर दिया था, एक उसको जो है वैश्विक पहचान इन्होंने दिलाई थी, यही इनका एक सबसे बड़ा प्रभाव देखा जाता है।
और अगर पतन के बारे में इनकी बात किया जाए तो पतन कैसे होता है? पतन इनकी यूरोपीय प्रतिस्पर्धा जो होती है, पतन आफ्टर जो यूरोपीय प्रतिस्पर्धा होता है उसकी वजह से होता है। 1759 ईस्वी रहता है, 1759 ईस्वी में बेदारा का युद्ध होगा, और इस बेदारा के युद्ध में इनको कौन पराजित करेगा? अंग्रेज जो है इनको पराजित करेंगे, अंग्रेज इनको पराजित करेंगे और भारतीय मानचित्र से डचों का समापन हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग अगली शक्ति पे आते हैं। अगली शक्ति कौन है? अगली यूरोपीय शक्ति अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? गठन 1600 में किया गया था। किसने किया था? महारानी एलिजाबेथ ने किया था, एलिजाबेथ ने किया था। ये लगभग 15 वर्षों का एक दिया गया रहता है कि आप जाइए जो है भारत में जाके व्यापारिक ट्रेडिंग राइट्स इनको दिया जाता है। फाइनली ये इंडिया में आए कब रहते हैं? 1602 ईस्वी में आए रहते हैं। आने के बाद ये अपना अब जो व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रोसेस शुरू करेंगे, और जल्द ही इनके एक अंग्रेज रहेंगे, उनका नाम रहेगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर उस समय मुगल बादशाह रहते हैं उनके दरबार में आते हैं, और आ करके ये परमिशन चाहते हैं कि इनको परमिशन दिया जाए व्यापारिक कोठी ओपन करने के लिए। तो वो परमिशन नहीं मिल पाता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पुर्तगालियों का ये अपना एक प्रेशर रहता है, अपनी एक कॉन्स्पिरेसी रहती है जिसके तहत से वो परमिशन ग्रांट नहीं होता है। आगे चल करके फिर से आते हैं, 1616 ईस्वी का समय रहता है, सर टॉमस रो रहेंगे, वो आए रहते हैं, लेकिन उसके पहले ही मसूलीपट्टनम में लगभग 1611-12 ईस्वी का समय रहता है, इन्होंने अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोल दिया था, और उसके नेक्स्ट ईयर में सूरत में इनकी व्यापारिक कोठी खुल गई थी। तो अब आएंगे सर टॉमस रो आएंगे, सर टॉमस रो को जहांगीर ने परमिशन दिया, और उसके बाद जो है ये व्यापारिक कोठी इनकी भारत में खुलना शुरू होता है। तो भारत में जब इनकी व्यापारिक कोठी खुलना शुरू होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इनकी तीन प्रेसिडेंसी बनेगी। भारत में इनकी धीरे धीरे कितनी प्रेसिडेंसियाँ हो जाएंगी? तीन प्रेसिडेंसी हो जाएगा। आप सारे लोगों को उसके बारे में पता है। एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो जाता है, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी रहता है, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी रहता है, और तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी रहता है, मद्रास प्रेसिडेंसी रहता है। तो इन कोर्स ऑफ टाइम रहता है लगभग 1650 का दशक रहता है। औरंगजेब के बारे में आप सारे लोग सुने हैं। उनके भाई रहते हैं, भाई का नाम सूजा रहता है। सूजा ने जो है एक स्पेशल ग्रांट इनको अंग्रेजों को दिया कलकत्ता में, जो है फ्री ट्रेड राइट्स का, जो है ट्रेडिंग कंसेशन दिया जाता है, व्यापारिक उनको जो है छूट दी जाती है, और यहीं से आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। समय बीत रहा है, ये अपना विस्तार करते जा रहे हैं, अन्य जगहों पे अपनी व्यापारिक कोठियां खोलते। ये हब के रूप में मैंने बता दिया कि तीन इनके जो है हब रहते हैं। आगे समय बढ़ेगा और 1700 नहीं, वो 1818 का आईफिल समय रहेगा। हाँ नहीं, 1717 का वो समय रहता है, औरंगजेब 1707 में मर गए रहते हैं। तो 1717 का वो टाइम पीरियड रहेगा, और 1717 में कौन रहेंगे? फर्रुख सियर रहेंगे, फर्रुख सियर रहेंगे। फर्रुख सियर ने एक गोल्डन फरमान जारी किया था, एक गोल्डन फरमान जारी किया था, शाही जो है पत्र जारी किया था, और वंस अगेन जो है
कलकत्ता में अंग्रेजों को क्या मिल जाएगा? फ्री ट्रेड राइट्स मिल जाएगा। फ्री ट्रेड राइट्स मीन्स कि खुले व्यापार की अधिकार जो है इनको मिल जाता है। तो अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली ये लोग मजबूत हो रहे हैं, और इस मजबूती की प्रक्रिया में क्या होगा, अब अपने ट्रेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं, हुगली में इनका खुलेगा, हुगली के बाद फिर ये वो सब छोटे छोटे फैक्चुअल चीज़ें हैं कि कैसे जो है इनका विस्तार होता जा रहा है। इसी विस्तार की प्रक्रिया में अब इनकी जो है प्रतिस्पर्धा होगी, और वो प्रतिस्पर्धा किसके साथ होगा? यूरोपियों के साथ होगा। और उसमें मैंने दो लोगों को पहले ही आपको बता दिया, 1665 के आस में पुर्तगाली जो हैं बॉम्बे देकर के निकल जाते हैं, अब इनका बॉम्बे में पैर जम गया है। 1759 ईस्वी में जो है वो बेदारा के युद्ध में इन्होंने डचों को हरा दिया है। अब अगर देखा जाए, एक डेन है, डेन इम्पोर्टेंस नहीं है, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनिस लोगों ने अपनी सारी बस्तियां जो है अंग्रेजों को बेच करके यहाँ से निकल गए थे। अब केवल एक प्रतिस्पर्धी इनके बचे हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम फ्रेंच है, फ्रांसीसी बचे हुए हैं। तो अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में कभी पटता नहीं था, वो जस्ट लाइक आप कह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन था। इन दोनों लोगों में जब यूरोप में युद्ध शुरू होता था तो उस युद्ध का विस्तार लगभग लगभग वो पूरे जहां भी विश्व में इनकी कॉलोनियां होती थी वहां पे हो जाता था, और वही यहां भी होता है। इनकी जो प्रतिस्पर्धा रहती है भारत में, इसके लिए ये लोग तीन फ्रांसीसी, आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, तीन आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ था। तीसरे युद्ध में फाइनली जो है 1760 ईस्वी में वांडीवास का बैटल हुआ रहता है, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ रहता है, और इस वांडीवास के युद्ध में इन्होंने फ्रांसीसियों को हरा करके भारत का जो दरवाजा है वो अपने लिए सुनिश्चित कर लिया, भारत का साम्राज्य अपने लिए सुनिश्चित कर लिया। तो एक एक करके सबको ये हटा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कैसे जो है अपने आप को भारत का स्वामी बना ले जाते हैं। इस आंग फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा पे हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, अभी आइए मैं युद्ध होने से पहले पहले फ्रांसीसियों के बारे में भी आपको एक छोटा सा वो दे देता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था भारत में? फ्रांसीसियों का भारत में आगमन 1664 में हुआ रहता है, सबसे बाद में आए थे, ये सब पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रांसीसी सबसे बाद में 1664 में आए रहते हैं। कौन जो है फ्रांस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया रहता है? राजा फ्रांस के उस समय लुई 14वां रहेंगे, और मंत्री कौन रहेंगे? कोलबर्ट रहते हैं, कोलबर्ट रहेंगे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किया जाएगा। ईस्ट इंडिया सब में लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि भारत अगर यूरोप से तुलना करेंगे तो ये पूरब में है, इंडिया में आ रहे हैं कंपनी खोलने के लिए तो वो इंडिया है, और कंपनी है तो कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित किया गया था। पर्पज क्या था इनका? भी पर्पज वही था, भारत के साथ जो है भारत के जो कच्चे संसाधन हैं उनकी प्राप्ति करना, भारत एक विशाल बाजार के रूप में है उस बाजार को एक्वायर करना, और एशिया का एक जो मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए भारत में अपने ट्रेडिंग हाल्ट या जो ट्रेडिंग कॉलोनी है उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो आइए जो है अब इस तरीके से इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाया, ये सब पार्ट ऑफ करिकुलम है, उस एक ऑर्डर में चीज़ों को पढ़ने से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। 1668 ईस्वी में सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। अन्य जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो मसूलीपट्टनम में होती हैं, 1669 में होता है, पौंडीचेरी में 1673 में होता है, चंद्रनगर में 1674 में होता है, माहे, ये सब फैक्चुअल डेटा है, किसी काम का नहीं है, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी काम का नहीं है, बस एक पार्ट ऑफ वो जो नोट्स है उसको वो किया गया, मेंटेन किया गया है।
अब प्रभाव देखा जाए कि इस फ्रांसीसियों का भारत पे प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव आप देखेंगे इन्होंने भी जो है भारत में आकर के व्यापार की समृद्धता को बढ़ाया, जो है भारत में एक डाइवर्सिफाइड मार्केट की स्थापना करते हैं, अपने व्यापारिक समृद्धि को फ्रांस में सुनिश्चित करते हैं, और इनके एक गवर्नर रहते हैं या गवर्नर जनरल कह सकते हैं, डुप्ले नाम रहता है। डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यही महत्वाकांक्षा अंततः भारत में आंग्ल फ्रांस युद्ध का कारण बनता है। तो आंग्ल फ्रांस युद्ध को हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में देखा जाएगा कैसे वो साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। अगर पतन के मुद्दे पे हम लोग बात किया जाए तो पतन का कारण क्या रहता है, फ्रांसीसियों के भारत में पतन का कारण क्या रहेगा, तो पतन का कारण हम लोग दो पहलुओं में देते हैं, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। देयर वेर सम सर्टेन इंटरनल रीजन एंड देयर वेर सम सर्टेन एक्सटर्नल रीजन, आंतरिक और बाह्य कारण। आंतरिक कारणों में अगर बात किया जाए तो फ्रांसीसियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, फ्रांसीसियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, देन आफ्टर इनका अन्य यूरोपीय शक्तियों से, अन्य यूरोपीय शक्तियों से विशेषकर अंग्रेजों से भारत में प्रतिस्पर्धा, भारत में प्रतिस्पर्धा। अगला कारण दे सकते हैं डुप्ले की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, डुप्ले अभी मैंने बताया डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनका साम्राज्य विस्तारवादी जो नीति है, मीन्स कि वो भारत में अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे इसीलिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दे दीजिए डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अगला है फ्रांसीसियों की भी शोषणकारी नीतियां जो रहती हैं, शोषणकारी नीतियां। भारतीयों के साथ इन्होंने कॉर्डियल रिलेशन नहीं बनाया जिसके वजह से भारतीय जो है इनके विरोध में आ जाते हैं। अब बाह्य कारणों पे अगर हम लोग बात किया जाए तो पतन का कारण क्या रहता है, बाह्य कारण में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, और साम्राज्यवाद ये एक आप कह सकते हैं स्वाभाविक प्रक्रिया थी, ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दौर था। यूरोपीय जो हैं वो चार सुपर पावर रहते हैं, चार सुपर पावर में आपने देखा जो है वो स्पेन रहता है, पुर्तगाल रहता है, ब्रिटेन रहता है और फ्रांस रहता है। तो इन चारों लोगों में पूरे विश्व पे अपने कब्जा करने का ही होड़ लगी रहती है। आगे चल करके आप देखेंगे कि चार यूरोप पावर में दो और सुपर पावर जुड़ जाते हैं, कब, 1870 के बाद बैटल ऑफ सेडान होता है, सेडान का युद्ध होता है जिसमें जर्मनी और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है, और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ये लोग जो है अब पावर बन जाते हैं, एकीकरण हो जाता है ना, जैसे भारत का एकीकरण होता है वैसे उन लोगों का एकीकरण हो जाता है। अब एकीकरण होने के बाद वो क्या कहेंगे, दो नवीन महाशक्तियां यूरोप की जर्मनी और इटली कहेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मींस कि हमारे पास पावर है, अगर आप हमको ये कॉलोनियां विश्व की नहीं देंगे तो हम जबरदस्ती उसको छीन लेंगे। तो वहां से क्या शुरू होता है, वहां से नौ साम्राज्यवाद शुरू होता है, ये साम्राज्यवाद का दौर है, उपनिवेशवाद का दौर है। तो ये स्वाभाविक परिणाम रहता है, भारत में कोई ना कोई एक जीतता क्योंकि इनमें प्रतिस्पर्धा चल रहा था, तो फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है क्योंकि ये वो दौर रहता है। अगला क्या कारण होगा, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी उपक्रम था, फ्रांसीसी कंपनी एक
सरकारी उपक्रम था, ठीक है। और अगला दे सकते हैं, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी उपक्रम था। सरकारी रहने की वजह से इनकी जो डायनेमिज्म रहता है, जो इनका आप कह सकते हैं गतिशीलता रहता है, वो कम रहता है इन कंपैरिजन टू जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी रहती है। अगला एक यहाँ पे इंटरनल में आप और दे सकते हैं, जिसको आप एक्सटर्नल से जोड़ सकते हैं। कुछ लक फैक्टर होता है, 1760 में कौन सा बैटल हुआ था, वांडीवास का बैटल हुआ था। इसी वांडीवास के बैटल के बाद फ्रांसीसी भारत से बाहर भगा दिए जाते हैं। इसके 3 साल पहले क्या हुआ था, 1757 का वर्ष रहेगा, 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध लड़ा था, और इस प्लासी के युद्ध के साथ इनके हाथों में क्या आता है, ये कह सकते हैं कि सोने का गड़ा खजाना आता है। वहाँ पे भी विस्तार में मैं बताऊंगा, जब प्लासी को ये जीत लेते हैं तो क्या होता है, मीर जाफर जो है वो एक कठपुतली जो है नवाब बनते हैं, जो कि इनके अंग्रेजों के कहे अनुसार चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट अंग्रेजों के हाथ, बंगाल की समृद्धि जो भी रहती वो अंग्रेज ले लेते हैं, तो वहाँ से जो ह्यूज अमाउंट अंग्रेजों के पास आया रहता है उसके बल पे वो अपनी आर्मी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, और फाइनली क्या होता है, ये इनको यहाँ पे पराजित कर देते हैं। तो चलिए, वही जो रहता है यही प्रक्रिया यहाँ पे आप देखेंगे, एक 7 ईयर वार होगा, सप्तवर्षीय युद्ध होता है। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक होता है, 1756 से 1763 ईस्वी तक होता है। तो इस सप्तवर्षीय युद्ध में ये केवल यूरोप में नहीं लड़ा जा रहा है, मैं कहा कि ये अपने टाइप का, ये अपने स्टाइल का एक वर्ल्ड वार था, जिसमें पूरे विश्व की शक्तियां नहीं लड़ रही थीं, लेकिन पूरे विश्व में दो शक्तियां लड़ रही थीं, ब्रिटेन और फ्रांस। तो फ्रांस इंडिया में ही नहीं हारता है, प्लासी की समृद्धि जो अंग्रेजों के हाथ लगती है, इससे ये अपना सैन्य शक्ति मजबूत करते हैं, अपनी तकनीकी कौशल को बढ़ाते हैं, और कनाडा में भी फ्रांसीसी हार जाते हैं, सही है। तो चलिए, ये इनके पतन का अपना कारण होता है। यहीं पे आकर के ये आपका कह सकते हैं कि एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है, वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद अभी बचा हुआ जो हम लोग का वो है, वो कर्नाटक युद्ध है, वो आंग्ल कर्नाटक युद्ध को हम लोग देखते हैं, और वहाँ पे 3-3 कर्नाटक युद्ध होगा, और इसके बाद जो है हम लोग शुरू किया जाएगा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार।